हेलो, वेलकम टू क्वांट लैब। क्वांट लैब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में और न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे यूज़ करें स्टॉक मार्केट्स में और प्रिडिक्ट करने के लिए स्टॉक प्राइसेस। तो एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करेगी और न्यूरल नेटवर्क यूज़ करके मॉडल ट्रेन करेंगे, उसके बाद उस पर फोरकास्ट जनरेट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली सिंपल सी बात में ये है कि मॉडल है एक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल जो न्यूरल नेटवर्क है, और उसको यूज़ करके प्राइस फोरकास्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो स्ट्रैटेजी का रिटर्न कैसे है। दिस इज़ जस्ट अ वॉक थ्रू ऑफ द कोड और मैं इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, तो देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेस लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करके बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कुछ बेस लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लेते हैं जो कि है नमपाइज, टी एल ए, फाइनेंस एक्सेट्रा। इनका पर्पज़ बेसिकली डेटा इम्पोर्ट, टेक्निकल इंडिकेटर कैलकुलेशन एक्सेट्रा के लिए है। उसके बाद हम लोग डेटा डाउनलोड किए हैं जो स्टॉक मैंने यूज़ किया है वो 2017 से 2023 जुलाई तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। यूजुअली मैं यही यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ माई एनालिसिस के लिए, इसके चार्ट से मैं फेमिलियर हूँ एक्सेट्रा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी फ़ीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो मशीन लर्निंग में। फ़ीचर इंजीनियरिंग का मतलब कि आपने अगर यहाँ पे देखें, अगर हम इसको रन करते चलें साथ साथ, तो इसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस जो कॉलम है आपको दिखेगा कि इसमें ओ एच एल सी वी है, विच इज़ ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि हम इसमें मशीन लर्निंग में हम इसको भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी फीचर इंजीनियरिंग करी है और थोड़े एडिशनल कॉलम्स जो कि कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं, इनको हम डिराइव कॉलम्स बोलते हैं, ऐड किए हैं। वो क्या क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हाई माइनस लो है जो बहुत ही सिंपल यूज़ किया जाता है कैंडल के लिए है, एंड क्लोज माइनस ओपन है। फिर तीन मूविंग एवरेजेस हैं विच इज़ 3-day MA, 10-day MA और 30-day MA। ये सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं तो कुछ भी नहीं है, रोलिंग मीन लेके शिफ्ट कर देना है यूजिंग नंबर ऑफ डेज। फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, उसके बाद RSI भी लिया है और ये TA-LIP से लिया है, और विलियम्स परसेंटेज एक है जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है उसको भी लिया है। फिर हमने प्राइस राइज को भी लिया है कि कितना प्राइस बढ़ रहा है एक दिन में, डिफरेंस कितना है प्राइस राइज। ये सारे एडिशनल फीचर्स आ जाएंगे। तो अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या, ये रन हो गया है। इसके बाद एक बार फिर से प्राइस को देख लेते हैं क्या है हम ये। अब आप देखेंगे कि काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे आ गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें काफ़ी NANs भी मिल रहे हैं, NANs, विच इज़ बेसिकली जो हमारे पास जहाँ जहाँ कैलकुलेशन नहीं हुआ वहाँ NAN है। तो ये डेटा को हमें हटाना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं हटाएंगे तो मॉडल ट्रेनिंग में ये प्रॉब्लम देगा। ये बेसिकली वहाँ वहाँ है जहाँ पे फॉरवर्ड कैलकुलेशन होती है, जैसे RSI है, 30-day मूविंग एवरेज है, एक्सेट्रा। सिंपल है, प्राइस डॉट ड्रॉप NA कर लेना है, उसके बाद प्राइस को अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो सारा NANs चला गया है। इसके बाद हम लोग शॉर्ट सेलेक्शंस कर रहे हैं डेटा का कि हमारा X क्या है, Y क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो कैपिटल X जो है वो हमारा वॉल्यूम के बाद सारा कॉलम्स है, ठीक है, पूरा जो जो हमारे X मतलब जो इनपुट वेरिएबल्स है, और Y जो है वो हमारा प्राइस राइज है यहाँ पे कि हमारा प्राइस कितना बदल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हमने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया। मशीन लर्निंग में ये कॉमन एक्सरसाइज है कि हम 70-30 या 80-20 फॉलो करते हैं। कुछ लोग ट्रेन टेस्ट और उसके बाद वैलिडेट भी करते हैं, विच इज 60-20 या 60-30-10 या 70-20-10, अपना अपना प्रेफरेंस है पर्सनल। ये सिंपल एक एक्सरसाइज है बताने के लिए कि किस तरीके से करते हैं, वो आप अब जब स्ट्रैटेजी लगा रहे होंगे, जब आप डिटरमाइन कर रहे होंगे, तो जो बेस्ट आपके सिनेरियो में सूट करता है वो यूज़ कीजिए। तो हम मैंने यहाँ पे सिंपल 80% लिया है, मतलब 80% पे स्प्लिट हो रहा है। तो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में डेटा स्प्लिट हो गया। इसके बाद एक फीचर स्केलिंग करनी पड़ती है ताकि स्केलर्स में कन्वर्ट हो जाए डेटा, विच इज़ टू से कॉमन स्केल में आ जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि अलग अलग स्केल्स है सबका। इसके बाद हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ANN नहीं पता है क्या होता है, तो एक बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज यूँ समझ लीजिए कि इट इज़ बिल्ट एंड मॉडल्ड आफ्टर द पिक्चर ऑफ द ब्रेन। डीप नेटवर्क होता है, मल्टीपल पैरामीटर्स पे काम करता है और काफ़ी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है। ये छोटा एक्सरसाइज है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बारे में पढ़ना है तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आई विल हाईली सजेस्ट 3 blue 1 brown के वीडियोज़ जो कि हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फिर मैंने ANN को रन किया, उसके बाद मैं एक मॉडल डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो एक क्लासिफायर बनाएंगे सीक्वेंशियल, फिर उसमें कुछ लेयर्स ऐड करेंगे जो कि डेंस लेयर्स हैं, और उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे ऑप्टिमाइजर, एडम लॉस इक्वल टू एम मीन स्क्वायर्ड एरर, आप चेंज भी कर सकते हैं, आप ऑप्टिमाइजर्स अलग ले सकते हैं, आप लॉस को मेप भी कर सकते हैं, मेट्रिक्स को कुछ और एक्यूरेसी के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। जस्ट अ स्मॉल इन ब्रेक बिफोर वी मूव फर्दर, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज डू, आई टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, AI, मशीन लर्निंग, एल्गो ट्रेडिंग, किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर साइंस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रेडिंग में डाल सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम मॉडल का एक समरी देखेंगे, क्लासीफायर डॉट समरी। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या मॉडल है और उसके पैरामीटर साइज क्या है। तो पहला है डेंस लेयर है 128 है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 1280, दूसरा भी 128 है, और तीसरा आउटपुट लेयर है जो कि स्मॉलर नंबर ऑफ पैरामीटर है। कुछ लाइब्रेरीज जैसे एक विजुअल केरास करके एक लाइब्रेरी है जिसको आप और जिसको मैं प्रोबेबली क्विकली इंट्रोड्यूस कर दूँ। ये लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है अगर आप मॉडल्स को विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो पूरा विजुअल डिपिक्शन मॉडल का मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज कि किस तरह से दिख रहा है, अगर आपको डिबग करना है तो देखने में हेल्प हो जाएगी। ये एक अच्छा टूल है। इसके साथ साथ मैं टेंसर बोर्ड भी बता देता हूँ कि जो कि काफ़ी पॉपुलर टूल है विजुअलाइजेशन और टूलिंग के लिए मशीन लर्निंग में। ये पूरा एग्जॉस्टिव टूल है, इस पर एक अलग वीडियो करेंगे, बट अभी आगे बढ़ो। तो उसका कोड मैंने रखा हुआ है इसमें, लेकिन मैंने कमेंट किया हुआ है तो फिर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल को फिट करेंगे, और तो उसमें देने के लिए मॉडल क्लासिफायर को फिट करने के लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, बैच साइज, ईपॉक इज मतलब कितना बार ये डेटा पूरा लूप में जाएगा। मैंने सिर्फ 100 बार डाला है, 500 बार भी कर सकते हैं, 1000 बार भी कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो अलग अलग एक्यूरेसी आएगी। अभी यहाँ पे तो ये ठीक ठाक ही जा रहा है, और कितना पे 84% तक मॉडल लिया, मतलब 84% एक्यूरेसी है ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल की। अब इसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट वाई प्रेडिक्ट इक्वल टू जहाँ जहाँ वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। तो हमने कुछ 7-8 इंस्टेंसेज हैं जो प्रेडिक्ट किए, उसके बाद हम प्राइस को थोड़े चेंजेस करेंगे, स्ट्रैटेजी में रिटर्न्स डालेंगे। तो हम जो प्राइस आया, जो ट्रेडिंग प्राइस आया, उस पर लॉग ट्रांसफॉर्म सप्लाई करेंगे, रिटर्न्स को माइनस करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थोड़ा सा जूम होने के कारण प्रॉब्लम आ गया, चलिए यहाँ पे रन हुआ ना। उसके बाद फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने में हमें ये देखना है, हमें दो चीज़ प्लॉट करनी है, एक तो क्यूमुलेटिव मार्केट रिटर्न कितना आ रहा है, स्ट्रैटेजी का रिटर्न कितना आ रहा है। तो इस केस में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये स्ट्रैटेजी, इवन दो मॉडल उतना अच्छा एक्यूरेसी पे नहीं गया, 84% पे है, बट 84% भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। तो अगर इस मॉडल को देखें तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है, जो 2021 मतलब जो लगभग डेटा है मेरे पास ट्रेनिंग का, लगभग एक साल के करीब का डेटा यहाँ पर दिख रहा है। इसके बीच में ये जो रेंज है, इसने स्ट्रैटेजी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर टू द मार्केट रिटर्न, जो कि डेली प्राइस चेंज के बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये कोई इंडिकेशन नहीं है, ऑल्दो ये स्ट्रैटेजी अच्छा दिख रही है, बट ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसको यूज़ करना है या नहीं, ये रिकमेंडेशन भी नहीं है। आई थिंक ये सिर्फ एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कुछ पैरामीटर्स क्विकली चेंज करके, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा में छेड़खानी करता हूँ, जैसे 0.8 के बदले यहाँ पे 0.7 कर दूँ, और इसको पूरा फिर से रन कर दूँ, तो आप देखेंगे कि ये पूरा स्क्यू हो जाता है, मतलब काफ़ी देखते हैं कितनी जल्दी चार्ट आता है। और मॉडल ट्रेन करने पे भी डिपेंड करता है कि कितनी बार आप ट्रेन कर रहे हैं, कितने एक्यूरेसी आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए ये चेंज हो गया ना, तो ये अपने आप ही ख़राब हो गया, और इसमें डेटा भी डिफरेंट हो गया, मतलब 2021 और 2023 का डेट तक डेटा आ गया। तो कुछ जो डेटा का रेंज चेंज हो सकता है अनलेस अनटिल आप फिक्स करें, बट तो वो एक अलग कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, वो लुक बैक हमें सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से डेटा को आप ट्रेनिंग के लिए ले रहे हैं, कौन सा डेटा टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे रैंडमाइजेशन है, बट जस्ट एक इंडिकेशन कि ये कोई एक स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है कि एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल चला लें और उसके बेसिस पे मार्केट को प्रेडिक्ट करें। हाँ, एज एन एक्सरसाइज ये प्रोसेस यही है, इसी को यूज़ करके आगे बढ़ना है। तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, गो थ्रू दिस, आप इस पर टाइम स्पेंड करें, थोड़ा रिसर्च करें,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको यूज़ कैसे करना है और इनको यूज़ करके अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कैसे करना है. ऑल राइट, दैट वॉज इट, दैट वॉज दिस वीडियो फॉर. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट, कमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज़. बाय बाय.